हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी फाइन होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बेस्ट एंटीवायरस फॉर विंडोज़ 10। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में हम नेट पे सर्फिंग करते हैं, कुछ भी डाउनलोडिंग करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में वायरस एंटर हो जाते हैं, मालवेयर एंटर हो जाते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बेस्ट एंटीवायरस बताने वाला हूं। तो मेरे नज़रिए में बेस्ट एंटीवायरस है जो कि अवस्थ का एंटीवायरस है। तो आज की इस वीडियो में आपको अवस्थ का एंटीवायरस कैसे डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर आपको क्या क्या करना होता है, इसकी सेटिंग के बारे में आपको फुल डिटेल वीडियो बताऊँगा। तो मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो आपको सिंपली से करना क्या है, आपको यहां पर अपने गूगल पर सर्च कर लेना है avast.com, जो कि यहां पर आपको लिखा आ रहा है, आपको ये सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली से आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर डाउनलोड फ्री प्रोटेक्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देख रहे हो, ये आपको तरीके बता रहे हैं किस प्रकार से आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में किस प्रकार से इंस्टॉल करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारा एंटीवायरस डाउनलोड हो चुका है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आपको सीधा अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके होम यानी डेस्कटॉप पे आपको एंटीवायरस का लोगो शो हो चुका है। और उसके बाद अगर यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट आपको यहाँ पर भी शो हो चुका है। तो हम सिंपली से अपने सॉफ्टवेयर यानी कि एंटीवायरस को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है योर अवस्थ फ्री एंटीवायरस इस लाइसेंस इज नो लॉन्गर वैलिड, क्योंकि आपका फ्री है तो इसलिए आपका ये लाइसेंस वाला नहीं है। तो इसे हम रीएक्टिवेट या कुछ ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों, आपके सामने कई प्रकार शो हो रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। प्रोटेक्शन में आने के बाद दोस्तों, हमें वायरस स्कैन, फिर कोर शील्ड्स, वायरस चैट्स, वाईफाई इंस्पेक्टर और जितने भी यहाँ पे आपको देख रहे हैं लॉक आ रहा होगा, ये सारे प्रीमियम सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि आपको इसको परचेज करना पड़ेगा तभी आपके ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली से आपको करने लगा है, आपको यहाँ पे वायरस स्कैन पे क्लिक कर देना है और सिंपली से आपको रन स्मार्ट स्कैन पे क्लिक कर देना है। ये आपका जितने भी पीसी में वायरस होंगे उनको स्कैन कर लेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस आ रहा होगा कि जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर दिखा रहा है ये सारे आउटडेटेड है, यानी कि ये इनमें आपने अपडेट नहीं किया। तो इनको अगर आप इनको अपडेट नहीं करते तो तब भी वायरस आने का खतरा हो सकता है, तो आप इनको अपडेट ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, मेरे एंटीवायरस ने जितने भी मेरे सॉफ्टवेयर थे कंप्यूटर के अंदर वो सारे इसने अपडेट कर लिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नो मालवेयर फाउंड, यानी कि कोई भी इसमें वायरस फाउंड नहीं है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि फोर एडवांस इशू फाउंड, यानी कि कोई इशू आ रहा है इसको आप रिसॉल्व ऑल पे क्लिक करके इनको रिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ मेरी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है इनको रिसॉल्व करने की। तो यहाँ पे दोस्तों, मेरे सामने ये ऑप्शन आ चुका है, इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप मतलब हमसे परचेज कर लीजिए। यहाँ पे एक तरह से आपको जो है कि वायरस से क्लीन हो चुका है, लेकिन ये आपको बार बार रिमाइंडर देता रहेगा कि आप इसे क्लीन कर हम परचेज़ कर लीजिए हमारे इस एंटीवायरस को। आप एक डिवाइस के लिए 89 रुपी पर मंथ पे कर सकते हैं। अगर आपको 10 डिवाइस एक ही ईमेल आईडी पासवर्ड से कनेक्ट करने हैं तो आप 109 रुपये पर मंथ दे सकते हैं। और अगर आपको साल का चाहिए तो 1068 रुपये आप पे कर सकते हैं। और उसी हिसाब से अगर आपको 10 डिवाइस में कनेक्ट करना है तो 1308 रुपये आप पर ईयर का दे सकते हैं। तो यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप इसे परचेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे जाना मेरे चैनल को।